गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू थर्ड चैप्टर ऑफ ईवीएस एंड टुडेज टॉपिक इज माय फैमिली। टुडेज टॉपिक इज माय फैमिली। सो स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज फैमिली? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर इज कॉल्ड फैमिली। A group of people who are related to each other is called family. Means, जब किसी घर में चार पांच या उससे ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं और उनका आपस में रिलेशन होता है, उनको क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। ओके, सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। देर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली, स्मॉल फैमिली एंड लार्ज फैमिली। स्मॉल फैमिली एंड लार्ज फैमिली, देर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली। ओके, व्हेन अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज पेरेंट्स? पेरेंट्स मींस फादर एंड मदर। पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा। ओके, सो व्हेन अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स विद वन और मोर चिल्ड्रन इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली। जब किसी फैमिली में मम्मी पापा के साथ एक या दो बच्चे रहते हैं, तो एक दो या तीन बच्चे रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली मीन्स छोटा फैमिली कहते हैं। बट व्हेन अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, कजन्स इज कॉल्ड लार्ज फैमिली। ओके, जब किसी फैमिली में दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा, चाचा, चाची, कजन, भाई बहन सब साथ में रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लार्ज फैमिली। उसको क्या कहते हैं? लार्ज। लार्ज मीन्स बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा, तो उस फैमिली को लार्ज फैमिली कहते हैं। So now children, take out your EBS copy and do write what I have written in my copy. And let me tell you one more thing. You have to do this work two times in your classwork copy, one time in your rough copy, and also you have to learn this. Okay, let's start. So children, first of all, put date here. D-A-T-E, date. D-A-T-E, date. 1-3-13-07-2020-2020. Then you will write heading here. W-R-I-T-E, write. T-H-E, the. M-E-M-B-E-R, apostrophe S, members. N-A-M-E, name. O-F, of. Y-O-U-R, your. F-A-M-I-L-Y, family. Write the members name of your family. Okay? So first one is G-R-A-N-D, grand, F-A-T-H-E-R, father. G-R-A-N-D, grand, F-A-T-H-E-R, father. Grandfather. Grandfather means dadaji. Grandfather means dadaji. G-R-A-N-D, grand, M-O-T-H-E-R, mother. G-R-A-N-D, grand, M-O-T-H-E-R, mother. Grand mother. F-A-T-H-E-R, father. F-A-T-H-E-R, father. Father means papa. Father means papa. M-O-T-H-E-R, mother. M-O-T-H-E-R, mother. Mother means mummy. U-N-C-L-E, uncle. U-N-C-L-E, uncle. Uncle means chacha. Chacha ya fufa. A-U-N-T, aunt. A-U-N-T, aunt. Aunt means chachi. A-U-N-T, aunt. Aunt means chachi. B-R-O-T-H-E-R, brother. B-R-O-T-H-E-R, brother. Brother means bhai. S-I-S-T-E-R, sister. S-I-S-T-E-R, sister. Sister means behen.
C-O-U-S-I-N-S, cousins. C-O-U-S-I-N-S, cousins. Cousins means कि आपके अंकल आंटी के जो बच्चे होंगे वो आपके कजन होंगे, वो आपके भाई बहन होंगे, बट उनको ब्रदर सिस्टर नहीं कहते हैं, उनको कजन्स कहते हैं. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर विथ यू. थैंक यू.